आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के नजदीक हजारों लोग हर रोज जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तमाम रेलवे लाइनों को पार करना उन्हें पड़ता है। इतना ही नहीं, ट्रेनों के नीचे से भी होकर लोग निकलने को मजबूर हो रहे हैं। स्कूल के बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई जान को जोखिम में डालकर निकलता हुआ दिखाई देता है। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर, हर समय मंडराता है खतरा खतरा खतरा। सबसे पहले हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इन दृश्यों को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि किस तरीके से लोग जान को जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। देखिए किस तरीके से स्कूल के बच्चे रेलवे लाइन को पार कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग साइकिल उठाकर रेलवे लाइन को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से लोग रेल की पटरियों पर दौड़ रहे हैं। किस तरीके से लोग जान को जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो ट्रेन के नीचे से होकर निकल रहे हैं। खुद देखिए इन दृश्यों को, किस तरीके से लोग ट्रेन के नीचे से एक के बाद एक निकल रहे हैं। कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, कभी भी जान पर बन सकती है, कभी भी जान के लाले पड़ सकते हैं, लेकिन इन सबसे बेपरवाह लोग जान को हथेली पर रखकर निकलने को मजबूर हैं। फिर से देखिए इन दृश्यों को, एक के बाद एक कई दृश्य आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से लोग निकलने को मजबूर हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? स्कूल से। बेटा रेल की पटरी पार करके क्यों जाती हैं आप लोग? अंकल नीचे पुलिया में पानी भर जाता है, हमें ट्रेन के नीचे से निकलना पड़ता है। कई बार हम बच भी गए थे। क्या हुआ था? एक साल हम निकल रहे थे ट्रेन के नीचे से और ट्रेन चलने वाली थी, इतने में हम जल्दी से उधर हो गए इसलिए बच गए। अच्छा अच्छा, रोज ऐसे ही करना पड़ता है? रोज ऐसे ही करना पड़ता है, कभी पुलिया भर जाती है बारिश से। डर तो लगता होगा? बहुत डर लगता है, निकल नहीं पाते हैं। ट्रेन के नीचे से निकलना पड़ता है और डर भी लगता है बहुत। क्या डर लगता है? ट्रेन ना आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डर रहता है। हाँ। कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर? हमने नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये लाइन और पुलिया में पानी भर जाता है, ट्रेन के नीचे से जाना पड़ता है। अच्छा, फिर डर नहीं लगता? डर लगता है, फिर ट्रेन ना चल जाए। हाँ। ये बार ट्रेन में चल गई थी मेरी, फिर इसमें मेरा बैग उड़ गया था। अच्छा, फिर मेरे पापा आए थे, उन्होंने लगा लिया था, निकाला था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यह नज़ारा कहाँ का है। यह नज़ारा किसी ग्रामीण अंचल का नहीं है बल्कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के नजदीक का है। एक तरफ पुलिया का नगला अशर नगर है, दूसरी तरफ मुस्तवा क्वार्टर और रेलवे कॉलोनी है। इन लोगों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जो रास्ता है वो कई किलोमीटर दूर होकर निकलता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग रेलवे लाइन पार करके स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं और नौकरी पर भी जाते हैं। रेलवे लाइनों के नीचे एक नहर की पुलिया है। बारिश के मौसम में ये नहर की पुलिया लबालब भर जाती है, जिसके चलते लोग रेलवे लाइन के ऊपर से निकलते हैं, ट्रेनों के नीचे से निकलते हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। चंद कदमों की दूरी पर कैंट रेलवे स्टेशन है। एक के बाद एक सवारी गाड़ियां निकलती हैं, एक के बाद एक माल गाड़ियां भी निकलती हैं। तमाम ट्रेनें शंटिंग करती हैं, इंजन भी इधर से उधर घूमते रहते हैं। रोज आना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, आना जाना होता है, प्रॉब्लम भी होती है यहाँ पे जाने में। क्या समस्या रहती है? ट्रेन आती है, डर लगता है कभी अचानक से कुछ होना जाए, निकलना भी पड़ता है, उसके नीचे से खड़ी रहती है। कभी कभी चल भी जाती होगी? चल भी जाती है, खड़े रहने से अचानक से रुकना भी पड़ता है। अच्छा। हाँ, डर भी रहता है, पुलिया के नीचे वो भी ब्लॉक पड़ी हुई है, वहाँ से कोई अरेंजमेंट नहीं है निकलने का। रास्ता बनाने की बात कही थी? हाँ, रास्ता बनाने की बात, कुछ नहीं हुआ। बच्चों का स्कूल इधर था, बच्चों को छोड़ने के लिए, बच्चों के लिए ट्यूशन स्कूल सब के लिए हमें तो इधर ही जाना पड़ता है, उधर तो कुछ है नहीं है, तो इसलिए यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत है रेलवे लाइन की वजह से। कभी कभी तो ट्रेन खड़ी रहती है यहाँ से, तो ट्रेन के नीचे से निकलना पड़ता है। कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता पुलिया का है तो उसमें पानी भरा हुआ रहता है हमेशा ही, एक तरह से यहाँ से कोई रास्ता नहीं है बच्चों को। एक बार तो मैं ही लेके निकल रही थी और ट्रेन चल गई, इतना धक्के निकल, मतलब जान हथेली पे लेके निकलना पड़ता है, ये मान लीजिए। रोज करना पड़ता है? डेली डेली का काम है, चार बार का। ट्यूशन के लिए भी इधर ही जाते हैं बच्चे, स्कूल ट्यूशन इधर ही। कोई रास्ता नहीं है, यहाँ नीचे पानी भरा हुआ है। अच्छा, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्या परेशानी आती है? यही परेशानी है कि नीचे बहुत पानी भरा होता है, ऊपर साइकिल से उठा के जाना पड़ता है। ट्रेन आ जाती है? फिर ट्रेन आ जाती है तो फिर रुकना पड़ता है, और खड़ी होती है तो फिर नीचे से निकलना पड़ता है। फिर कोई डर तो लगता हो? हाँ, डर तो लगता है। क्या डर लगता है? कोई और रास्ता नहीं है इसका? नहीं, बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। कोई डर तो लगता हो? हाँ, डर तो लगता है, अब क्या कर रहा है। इसके नीचे बहुत खतरा होता है निकलने में, और गवर्नमेंट से सुन रहे हैं कि जब पुलिया बनेगी, पुलिया बनी पर अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। कितना डर लगता है आपको? बहुत डर लगता है, कभी कभी तो ये चल जाती है और सिग्नल दिखाई नहीं देता इसका वहां से, और काफी डर लगता है, कभी कभी तो दुपट्टा भी अड़ गया है हमारा। अच्छा,
हादसे भी हो चुके हैं कई बार। हाँ, काफी सारे हादसे हो चुके हैं यहाँ पे, और आप देख रहे हो पुलिया की हालत देख ही सकते हो। ऐसा कोई मतलब रास्ता नहीं है जहाँ से जो सेफ्टी से जा सकती गर्ल्स या बॉयज कोई भी। यही खतरनाक रास्ता है, यही खतरनाक रास्ता है, आप देख सकते हैं आपको किसी की भी जरा सी निगाह चुकी है जान जा सकती है उसकी। मैं यहाँ से रोड ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ और ये बहुत खतरनाक रास्ता है क्योंकि यहाँ से काफी हादसे हो चुके हैं निकलते में ही लोगों के, तो यहाँ से और कोई रास्ता है निकलने का? और सरकार को ये है यहाँ से एक नीचे पुलिया जाती है तो उसको ठीक करवाना चाहिए। अच्छा, अंडरपास कोई नहीं है? है एक जगह है थोड़ी सी, मगर वो पानी भर जाता है तो बरसात टाइम है तो फिर बंद ही जाती है। स्कूल के बच्चे और टीचर हर रोज इसी रास्ते से पढ़ने और पढ़ाने जाते हैं, सभी मजबूर हैं क्योंकि रास्ता कोई दूसरा नहीं है। लैंड पार करना पड़ता है साहब, हमारे बच्चे इस तरफ पढ़ते हैं और बच्चे को बहुत दिक्कतें आती है, पानी भी भरा हुआ है यहाँ और हम काफ़ी समय से यहाँ लड़ते आए हैं। हादसे हो चुके हैं? हाथ से लाइन आ जाती है, लाइन खड़ी हो जाती है ट्रेन और ट्रेन खड़ी होते हुए बच्चे निकलते हैं तो अचानक ही लाइन चल जाती है तो हादसे हो जाते हैं। बड़े बूढ़े भी आ चुके? हाँ, बड़े बूढ़े, कई बड़े बूढ़े आ चुके, उनका भी कई बार हादसा हो चुका है। और साइकिल फाइकिल भी निकलती हैं तो वो भी कई कट चुकी हैं, खिंचे चले जाते हैं। हादसे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा तरह तरह हादसे होते हैं और यहाँ निकलने का बहुत रहस्य है। रास्ता नहीं है कोई? नहीं, और कोई यहाँ आजू बाजू कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अंडरपास बनाने की मांग नहीं की गई हो, यहाँ पर पुल बनाने की मांग नहीं की गई हो। लंबे समय से अंडरपास बनाने की मांग यहाँ के लोग करते आए हैं क्योंकि हादसे हर रोज होते हैं, तमाम लोगों की जाने तक चली गई हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक मामला पहुँच चुका है, फाइलें भी मोटी मोटी बन चुकी हैं, लेकिन फाइल बढ़ती है, कभी राज्य सरकार पर अटक जाती है, कभी केंद्र सरकार में अटक जाती है। यहाँ के लोग बताते हैं तमाम ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें जान तक चली गई, कई स्कूली बच्चों की साइकिलें तक फंस गईं, कई बार तो सब यात्रा को छोड़कर भागना पड़ा, कई बार तो जान के लाले तक पड़ गए। नागला पुलिया शिवनगर से मुस्तौगाडर के बीच अंडरपास बनाने की मांग की जा रही है, मांग पाइपलाइन में फंसी हुई है। रेलवे अधिकारी कहते हैं कि राज्य सरकार का मामला है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ के लोगों को भाजपा नेताओं से उम्मीद है, भाजपा के जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है, इसी आस में लोग बैठे हुए हैं, कभी तो उनकी मांग पूरी होगी। देखना होगा कि कब तक अंडरपास का निर्माण होता है या फिर इसी तरीके से जान हथेली पर रखकर लोग रास्ता पार करते रहेंगे। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।